हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निरंजन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन। मैं आज आपको ये टेक्स्ट एंड बॉल एनिमेशन बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिए। टेक्स्ट एंड बॉल एनिमेशन इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का टेक्स्ट एंड बॉल एनिमेशन मैं आज आप बना के बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज आपको टेक्स्ट एंड बॉल एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। पहले हम ये होम टैब में जाएंगे और ये सेप्स पे जाएंगे। वहां से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके उस रेक्टेंगल को इतना बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम पकड़ेंगे पूरा ये जो लाइन है यहाँ तक, और डिजाइन टाइप में जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। ये जो आपको कलर ऑप्शन दिख रहा है, फिल कलर, आप इसमें जाइए और इसमें से ये आप जो चाहे वो कलर दे दीजिए। आप बॉल का कौन सा कलर देना चाहते हैं, ब्लू, रेड। पहले हम बैकग्राउंड का कलर देंगे रेड। रेड देने के बाद ये जो स्क्वायर है हम इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये आउटलाइन में नो आउटलाइन कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। फिर बाद में हम होम टैब में सेप्स में जाएंगे, वहाँ से ओवल लेंगे वन और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और उस ओवल को बड़ा कर लेंगे। बाद में हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ये जो स्क्वायर है इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब में जाएंगे। यहाँ से हम ये कंबाइन ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंबाइन शेप्स में जाएंगे। हाँ, पर याद रखना आपको पहले वो ओवल लिया था वो सेलेक्ट करना है, बाद में आपको ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। ये देखिए, कंबाइन करने से ये वो जो सर्किल ओवल था वो यहाँ से हट गया है, इसलिए हमने कंबाइन किया है। फिर बाद में आप इंसर्ट टैब में जाना, वहाँ से ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आप उस पर क्लिक करना और उस टेक्स्ट बॉक्स को ना बड़ा कर लेना। वहाँ पे बोल्ड क्लिक कर देना। बोल्ड क्लिक करने के बाद आप इस टेक्स्ट में कुछ भी राइट कर सकते हैं। मैं अपने चैनल का नाम इस टेक्स्ट में राइट कर रहा हूँ, जो नाम है हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन। जितने भी यहाँ पे किए पा रहे हैं आप वहाँ पे डबल स्पेस देना है आपको। हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन मैंने सब तीन बार ऐड कर लिए हैं। अब आप होम टैब में से ये बोल्ड क्लिक कीजिए, ये बोल्ड हो गए हैं। अब आप ये एरो बटन में जाइए, यहाँ से आप जितनी चाहे उतनी साइज की कर सकते हैं। मैं इनकी साइज 12 कर रहा हूँ। इन्हें यहाँ से एरिया ब्लैक कर रहा हूँ और इन्हें छोटा कर लेता हूँ मैं। और आप अगेन इन्हें बोल्ड कीजिए और वापिस बोल्ड। फिर बाद में आप वापस फॉर्मेट टैब में जाइए, ये एरो बटन में मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसफॉर्म में जाके अब कीजिए। ये देखिए, ये पूरा हो रहा है और ये भी। अब हम ये ले लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेट टैब में साइज ग्रुप है, यहाँ पे आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इन्हें कट करिए और यहाँ पे आप 9 राइट कीजिए। ये नीचे जो है आप इसे भी सेलेक्ट कीजिए ऑल, यहाँ पे भी आप 9 कर लीजिए, 9 हो गया है। अब आप जो है इसे सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब में से इसे इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर लीजिए। मैंने इसकी साइज 60 कर ली है। ओवर लीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और इसे राइट करके इसमें नो फिल कीजिए। नो फिल करने के बाद ये जो टेक्स्ट है आपको ये इसमें लाना है। ये देखिए, ये ओवल बहुत बड़ा है। आप इसे पहले इसकी साइज इतना कर लीजिए। मैंने इस ओवल को इसकी साइज इतना बड़ा करना है, मैंने उतना बड़ा कर लिया। अब आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, ये जो एरो बटन है आप इसे नीचे लाइए। ये देखिए, इतना नीचे हम ले आइए। बाद में आप इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर ले लीजिए। ये जो आपने सर्कल लिया आप इसकी कंट्रोल डी कर लीजिए। डी करने के बाद आप शिफ्ट बटन प्रेस करिए, इसे छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कर लीजिए।
फिर से बटन दबाइए और ये जो टेक्स्ट है आप इसे आप इस आपको इस टेक्स्ट को नहीं करना है, ये दोनों ओवल को सेलेक्ट कीजिए और मेट टैब में जाइए। सेव फिल इनका आप सेव आउटलाइन करनी है आपको, सेव फिल नो फिल रहेगा, इनकी आउटलाइन आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इनकी आउटलाइन लाइट ब्लू कर रहा हूँ। वेट आप इनका 6 PT कर लीजिए, सिर्फ दबाइए और ये जो टेक्स्ट है आप इसे भी सेलेक्ट कीजिए। बाद में आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और इसे ग्रुप बना लीजिए। फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे बड़ा कर लीजिए। ये बड़ा हो गया है। आप ये जो आपको ये जूम दिख रहा है नीचे, आप इसे बड़ा कीजिए। जूम भी हो गया है थोड़ा बहुत। इस जूम को ये माइनस से आप कम कीजिए। बाद में आप ये जो ओवल है, आप इस ओवल को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कट कीजिए, फिर बाद में राइट क्लिक कीजिए, जो पिक्चर यू दिख रहा है आप इस पे पेस्ट कर लीजिए। अब ये देखिए पूरा ये सेलेक्ट हो गया है। पूरा सेलेक्ट होने के बाद आप इसे ना ऊपर ले आइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से सेंड टू बैक कर लीजिए। ये जो रोल बटन है आप इसे पहले यहाँ से घुमा लीजिए। बाद में आप इसे सेलेक्ट कीजिए, एनिमेशन टैब में जाइए, एरो बटन में जाइए और इसमें स्पिन का एनिमेशन दीजिए। इफेक्ट ऑप्शन में आप क्लॉकवाइज कर लीजिए। ये जो आपको ड्यूरेशन दिख रही है आप इसको कट कीजिए और वहाँ पे 15.00 कर लीजिए। 15.00 मतलब 15 सेकंड हो गई है। 15 सेकंड करने के बाद आप एनिमेशन पेन में जाइए, ये जो एरो बटन है आप इसमें जाइए, इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, टाइमिंग में जाके आप अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर लीजिए और ओके कर लीजिए। और एनिमेशन पेन को फिर क्लोज कर लीजिए। फिर बाद में मुझे आपको इस तरह का बना के बताना है, इसलिए मैं अब वो कर लेता हूँ। पहले आप होम टैब में जाइए, बाद में सेप्स में जाके 1 rectangle ले लीजिए और शिफ्ट बटन प्रेस करिए और इस रेक्टेंगल को ना बड़ा चाहिए हमें रेक्टेंगल, और आप यहाँ से इसे छोटा कर लीजिए। स्मॉल करने के बाद ये जो रेक्टेंगल है इसे आप साइड में ले लीजिए और होम टैब से आप 1 oval लीजिए और शिफ्ट बटन प्रेस करके वो ओवल, ये जो आपको नीचे ओवल दिख रहा है आप इसके जितना ले लीजिए और आप शिफ्ट बटन से इस ओवल को नीचे से यहाँ से इसके बराबर कर लीजिए। पूरा इसके बराबर होना चाहिए। बाद में आप इस ओवल को राइट क्लिक कीजिए और ब्रिंग टू फ्रंट कीजिए और ये जो स्क्वायर है आप इसे इसके ऊपर ले आइए। बाद में आप इस ओवल को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन कीजिए और इस ये जो स्क्वायर है पहले आप इसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आउटलाइन में नो आउटलाइन, फिल में जाके आप इसे ब्लैक कर लीजिए। फिर आप ये जो ओवल को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन से ये जो है रेक्टेंगल आप इसे सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट टैब में जाइए, ये जो आपको मर्ज शेप दिख रहा है इसमें जाके आप इसे कंबाइन कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, उसमें आप फिल में जाइए और इसे ब्लैक कीजिए, आउटलाइन इसकी नो आउटलाइन कर लीजिए। ये जो फॉर्मेट टैब में शेप्स है आप यहाँ से 1 rectangle लीजिए और वो रेक्टेंगल आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इससे उसी के आप कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लीजिए। बाद में आप इसे इस तरफ से पेस्ट कर लीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और आप फिल में जाइए, इसका फिल ब्लैक कर लीजिए, फिर आउटलाइन में जाके यहाँ से आउटलाइन इसकी नो कर लीजिए। फिर बाद में आप इसे थोड़ा ऊपर ले लीजिए, ऊपर लेने के बाद आप ये जो है आप इसे राइट क्लिक कीजिए और इसका कलर आप यहाँ से ब्लू है, ब्लू इसमें मैच हो रहा है तो आप राइट क्लिक करने के बाद इसमें आप चाहे जो कलर कर सकते हैं, येलो कलर दे दिए है। अब आप बाहर क्लिक कीजिए और फिर बाद में आप स्लाइड शो में जाके ये देखिए हमारा कितना अच्छा बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही YouTube चैनल की जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।